नमस्कार, मैं ज्योत्सना स्वागत करती हूँ आप सबका दोस्तों आपके अपने चैनल प्लांट्स फॉर यू में। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया पौधा लेके जो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको औषधीय पौधा बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत ही आयुर्वेद में इसका उपयोग किया जाता है और हमारे लाइफ में भी इसका काफ़ी उपयोग है दोस्तों। और इसका नाम है भृंगराज। जैसा कि आप जानते हैं हमारे लाइफ के लिए बालों का बहुत ज़्यादा महत्व है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई भी यंग हो, सबको बाल चाहिए और ये बालों के लिए बहुत ही विशेष पौधा है दोस्तों। और इसका और भी बहुत सारा उपयोग होता है आयुर्वेद में, बहुत सारे दवाओं में इसका उपयोग होता है और ख़ास करके डायबिटीज़ जो पेशेंट है जिनका घाव नहीं जल्दी भरता है आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, लोग करते हैं। और माइग्रेन में, पेट में दर्द हो, बहुत सारा इसका मतलब फ़ायदा है दोस्तों हमारे लाइफ में। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगी कि इसको कैसे आप अपने घरों में, गमलों में, कंटेनर में, कोई भी बड़ा छोटा कहीं भी आप लगा सकते हैं और इसका उपयोग आप बड़े ही आराम से अपने बालों पे और अपने और लाइफ की ज़रूरतों में उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं बताती हूँ कि इसको कटिंग के थ्रू कैसे लगाते हैं। ऐसे तो आप नर्सरी से ला के इसको लगा सकते हैं, बट अगर आपके आजू बाजू किसी के पास भी, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के पास अगर ये प्लांट है भृंगराज का, तो आप इसको कटिंग के थ्रू भी बड़े ही आराम से अपने पॉट में आप ग्रो कर सकते हैं। और आज इसी तरह मैं बता रही हूँ, ये देखिए इस तरह एक छोटा सा स्टेम लेना है आपको। जैसे पुदीना होता है ना दोस्तों, ये भी पुदीना की तरह ही ग्रो करता है और बहुत आराम से पूरा फैल जाता है दोस्तों। आप थोड़ा सा लगाइएगा और पूरा ये आपका गमला भर जाएगा। ये भी मैंने एक स्टेम से लाया था अपने दोस्त के यहाँ से। और देखिए एक ऐसे छोटे से मैंने एक लगा दिया है, बैग है ये, ग्रो बैग। तो और इसमें किस तरह से ग्रो हो गया है और बहुत पुराना नहीं है दोस्तों, मुश्किल से एक महीना पहले मैंने ये लगाया था और देखिए कितना अच्छा से ग्रो कर रहा है। और इसके दो तरह आते हैं दोस्तों, ये देखिए जैसे फ्लावर से आप पहचान सकते हो, एक देखिए येलो कलर का फ्लावर आता है जो कि मेरे पास है और इसी का एक सफ़ेद कलर भी होता है दोस्तों। और पत्ता देखिए इसका किस तरह रहता है, ऐसे शार्प नहीं रहेगा, ऐसे लंबा सा, ऐसा थोड़ा सा कर्व रहेगा, गोल टाइप का लंबा है बट यहाँ एंड में इसका ऐसे कर्व है। तो इस तरह भी आप पहचान सकते हैं कि ये भृंगराज है। और बालों के लिए तो इसका विशेष ही खास महत्व है दोस्तों, आप बालों में तेल में इसको मिला के इसके पत्तों का रस बना सकते हैं। इसका क्या क्या और इसके बालों में क्या क्या महत्व है दोस्तों, इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगी अगले वीडियो या दूसरे किसी वीडियो में कि कैसे इसको यूज करना है। और ऐसे आप सब जानते हैं कि भृंगराज, जैसे आप TV पर ऐड देखते हो कि भृंगराज का ये तेल है, इस तरह आप लगाइए आपका बाल बढ़ेगा या काला होगा। तो हम जो TV पर प्रचार देखते हैं उससे बेटर है दोस्तों कि हम अपने घरों में ही ग्रो करें और ताज़ा लीव्स इसका यूज़ करें अपने बालों के लिए। आपके बालों में अगर रूसी है, डैंड्रफ जिसको आप बोलते हो, वो भी आपका इससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है दोस्तों। बस आप इसको यूज करने का तरीका आपको जानना है जो कि मैं बताऊँगी आने वाले वीडियो में। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसको कटिंग के थ्रू कैसे लगाना है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने ये कटिंग ले लिया है, अब मैं बताऊँगी कि इसको सॉइल मिक्स क्या चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों पॉटिंग मिक्स की। तो पॉटिंग मिक्स आपको पुदीना की तरह ही यूज़ करना है। ऐसे पुदीना या ये भृंगराज किसी भी तरह की मिट्टी में बड़े ही आराम से ग्रो हो जाता है, बस इसको मॉइस्ट सॉइल चाहिए और बाकी कुछ नहीं इसको। तो नॉर्मल गार्डन सॉइल भी आप ले सकते हैं या फिर मैंने जैसे मिलाया है उस तरह भी ले सकते हैं। मैंने इसमें लिया है 40% आपका नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% आपका ये खाद है, कोई भी खाद आप ले सकते हैं, 20% सैंड है और 10% मैंने लिया है कोकोपीट, या आपके पास पत्तों की खाद है तो वो भी ले सकते हैं, पत्तों की खाद नहीं है तो मतलब ड्राई लीव्स ही नॉर्मल आप क्रश करके ले सकते हैं ताकि ये मिट्टी है भुरभुरा बने, ताकि इसका जड़ पूरा अच्छी तरह से फैलने का इसको जगह मिले। तो इस तरह दोस्तों मैंने देखी, इस तरह मैंने ये कटिंग ले लिया है। आप नीचे का एक पत्ता इस तरह रिमूव कर लीजिए और आपको
कोई भी इस तरह छोटा सा स्टिक लेके इस तरह होल कर लेना है और आपको इस तरह लगाते जाना है और बड़े ही आराम से लग जाता है दोस्तों। और एक दूसरा तरीका है, जैसे ये फ्लावर है आपका, ये फ्लावर ये जब पक जाएगा मतलब तो ये इसका बीज बनता है ब्लैक कलर का, तो ये सूख जाएगा फ्लावर, तो इसको भी तोड़ के आप स्प्रिंकल कर देंगे, ऐसे छीट देंगे तो गमले में, तो वो भी आपका ग्रो कर जाएगा। तो आपके पास जब पौधा बड़ा हो जाए तो आप उस तरह भी आप यूज कर सकते हैं। तो अभी मेरा प्लांट उतना बड़ा नहीं हुआ है तो मैं ऐसे कटिंग से और ज़्यादा लगा रही हूँ। और इसके फ़ायदे की बात करें दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा है हमारे डे टू डे लाइफ में, और इसको आयुर्वेद में दिव्य औषधि भी बोला जाता है इसके गुणों के चलते। इसका बहुत ही ज़्यादा गुण है, और जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँगी ताकि आप सबको कुछ जानकारी मिल सके कि कैसे अपने घरों में लगा के और इसको यूज कर सके। और बालों के लिए तो ये खास ही महत्व रखता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं, हमने सॉइल के बारे में बता दिया है, अब इसके पानी के बारे में जानकारी देना चाहूँगी कि इसको पानी ज़्यादा नहीं देना है और कम भी नहीं देना है। इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है तो आप इसको डेली पानी देना है आपको, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो आप डेली इसमें पानी डाल सकते हैं वन टाइम मॉर्निंग में। और ये फुल सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन अगर दिन भर का फुल सनलाइट अगर नहीं है आपके पास, आता नहीं हो घरों में, तो आप हाफ डे भी मिल जाए या दो तीन घंटे का भी सनलाइट इसको मिल जाए तो भी बहुत अच्छा चलता है दोस्तों। क्योंकि मेरे बालकनी में भी ना इस तरह नहीं आता है कि पूरे डे का धूप हो, लेकिन मैं बालकनी में भी बड़े आराम से इसको ग्रो कर रही हूँ। और आज मैं आपको दिखाने के लिए बस अपने टेरेस पर लेके आई हूँ कि कैसे इसको कटिंग के थ्रू लगाना है। तो इस तरह लाइट और पानी में रखिएगा मेंटेन, तो बहुत अच्छा से आपका गमला में ग्रो करेगा। और आप इसके ताज़े ताज़े पत्तियों का यूज कीजिए, इसका किसी भी तरह से घाव में अगर कोई घाव हो गया हो, जख्म सूख नहीं रहा हो या पस नहीं निकल रहा है तो उसमें भी आप पीस के इसको और लेप लगा सकते हैं, उसका रस लगा सकते हैं। और बहुत सारे इसके मतलब गुण हैं दोस्तों, मैं बता नहीं पाऊँगी कि कितना सारा। तो इस तरह आप अपने गमलों में लगाइए दोस्तों, और देखिए कुछ ही दिनों में पूरा भर जाएगा। जिस तरह पुदीना कैसे ग्रो करता है बस इसी तरह इसका भी आपको पूरा गमला में भर जाएगा। किसी में भी लगाइए, आप नीचे ज़मीन में लगाइए तो पूरा ये क्लाइंबर टाइप का, मतलब ऊपर तो नहीं होता है लेकिन ऐसे क्रीपर ज़मीन पे पूरा फैल जाएगा आपका, और बहुत ही जल्दी ग्रो करता है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही जानकारी थी दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ, कुछ नए पौधे के साथ। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने घरों में ये ज़रूर लगाइए और इसका उपयोग कीजिए अपने लाइफ में, अपने बालों का खूबसूरती बढ़ाने में। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।